भारत माता की, भारत माता की जय, भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय भवानी। तुम्हारे साहब हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साहब हम तुम्हारे। महिला संघटिका लोणकर मैडम, मंदाकिनी भावे मैडम, कांचन ठाकुर, समन्वय विदर्भ, अमिता जाधव जी, रेखा आरोड़ी जी, मायाताई कोहाड़, ज्योतिताई इंगळे, पंचायत समिति के उपसभापति श्री सुजीत जी नानवरे, नितनवरे, सरपंच मैडम ज्योति नितनवरे, हमारे शाखा प्रमुख बंदोर भगिन। परसों के दिन मैंने भाषण दिया ही था यहाँ पर, यह समस्या गांव की, शहर की, जो आपने उस दिन सामने रखी हुई थी, उस समस्या को दूर करने का काम सुजीत जी या मोरेश्वर गौरी जी, पुरुषोत्तम गौरी जी कर रहे। हमें क्या चाहिए? हाथ को रोजगार चाहिए, एक अच्छे कपड़े चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, अच्छा रोड चाहिए। ये सारी चीज पिछले 5 सालों के अंदर में मोदी सरकार ने यहाँ पर उपलब्ध करा के दी। हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री फडणवीस सर, गडकरी साहब, इनका विकास आपने देख ही लिया है। ये एनआईटी का लेआउट है। बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर है, कई दिनों से पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं, अभी भी सुजीत जी ने करके रखी। आप पानी भरने के लिए जा रही थी लेकिन सुजीत जी ने रोक दिया कि पानी आपके घर में चला जाएगा, ड्रम भरा जाएगा। 30 लाख की व्यवस्था यहाँ पर पानी की हो चुकी है, ये आपने हमें बताया। मित्रों, रोड हम बनाते फिर भी कांग्रेस वाले पूछते हैं कि बीजेपी सरकार ने क्या किया। गैस सिलेंडर मोदी सरकार देती फिर भी कांग्रेस पूछते है गरीबों के लिए क्या किया। किसानों को 6,000 रुपया हर उसके खाते में डाल रहे, फिर भी कांग्रेस पूछती है कि सरकार ने क्या, मोदी सरकार ने क्या किया। हम पाकिस्तान में घुस के मारते, कांग्रेस पूछती है तुम लोगों ने क्या किया। सबूत मांगते, अब सबूत मांगने के लिए उनको कैमरामैन भी लेके जाना पड़ेगा इनके जैसा, कि भाई ढूंढो सबूत क्या है क्या नहीं। तो आज हवाई जहाज से आदमी 1600 रुपए में बंबई जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, एक सर्वसाधारण आदमी जा सकता है। उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत एक गरीब से गरीब भाई को, आदमी को गैस सिलेंडर मिल सकता है। ये सारी चीजों की सुविधा होने के बावजूद भी कांग्रेस पूछती है कि सरकार ने क्या किया। अब इनको बताने का समय आया हुआ है दोस्तों, कि सरकार ने जो पिछले 5 साल में किया, पिछले कांग्रेस ने 70 साल तक कुछ भी नहीं दिया हमारे हाथ में। गरीबी हटाओ का नारा लगाते लगाते गरीब हट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। अभी लालीपॉप हमारे हाथ में दे दिया, किसानों के पास में 72,000 रुपए डालेंगे, लाएंगे कहां से? 3,16,000 करोड़ रुपया का बोझा हिंदुस्तान के ऊपर होगा, किससे छीनेगा? तुम्हारे हमारे से छीनेंगे। मनरेगा के अंदर में रोजगार उपलब्ध कौन करा के दे रहा था? पिछले 60-70 सालों से रोजगार मनरेगा के नाम से करा रहे, लेकिन क्या हो रहा उसका? फिर से वही प्रॉब्लम, वही समस्या निर्मित हो रही। बेरोजगारों की संख्या बढ़ते हुए चली जा रही लेकिन बेरोजगारी खत्म होती नहीं जा रही। दोस्तों, ये आने वाले दिन बहुत ही कठिन, ऐसे मोदी सरकार के हाथ मजबूत नहीं किए तो आने वाले दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं। कल उन्होंने अपना एजेंडा कांग्रेस ने घोषित किया, बोले देशद्रोह का कलम हम लोग हटाएंगे, यानी तुम देशद्रोह के नारे लगाओगे, भारत पाकिस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे नारे लगाओगे और उनको देशद्रोह का गुनाह उनके ऊपर दाखिल नहीं होगा, उनको मिठाई दी जाएगी, उनके हार, उनके गले में हार डाले जाएंगे। कहां कहां देश को लेके जा रही है कांग्रेस सरकार। जेएनयू की यूनिवर्सिटी में, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा, कश्मीर के 2 स्टूडेंट और एक हमारा कन्हैया लाल, जिसको कन्हैया कुमार बोलते हैं, मार्क्सवादी पार्टी ने बिहार से उसको टिकट दिया, सांसद बनने के लिए उनको भेज रहे। उन्होंने वहां पर नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल गुरु पैदा होंगे, एक अफजल गुरु को मारोगे तो 10 अफजल पैदा होंगे। उनको सपोर्ट कांग्रेस ने दिया, मार्क्सवादियों ने दिया, मायावती ने दिया, अखिलेश ने दिया, कहां देश को लेके जा रहे मित्रों?
आने वाले दिन बहुत कठिन है, इसीलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सरकार आने चाहिए। रामटेक लोकसभा क्षेत्र से श्री कृपाल जी तुमाने यहाँ पर सांसद के लिए फिर से एक बार खड़े है। उनका चुनाव चिन्ह है धनुष्यबान, धनुष्यबान, उन्हीं के बटन दबाइए, उनको प्रचंड बहुमतों से चुन के लाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, एक बार और नारे लगाइए, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की।